नमस्कार और स्वागत है आपका मान्य एजुकेशन में। आज के इस लेसन में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोगों ने तीन अलग अलग पार्ट में कवर किया है, तो आज ये हमारा पहला पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये जो हमारा पूरा सीरीज़ है ये MPPSC 2020 के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के हिसाब से है, और हम लोग जो यूनिट कवर कर रहे हैं वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आइए आज हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट वन। सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो पूरा का पूरा जो एक थियोरी है वो पूरी एटम और उसके स्ट्रक्चर से मिलके बनती है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि एटम क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम यानी ये अणु जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, एक फंडामेंटल पीस ऑफ मैटर होता है। फंडामेंटल पीस ऑफ मैटर यानी इसी से सारे के सारे जो है वो चीज़ें बनी हुई हैं दुनिया में। तो एटम में तीन टाइनी पार्ट्स होते हैं जिसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम के अंदर सब एटम्स, ठीक है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अणु के अंदर और भी छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कहे जाते हैं परमाणु, ठीक है, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेंटर ऑफ एटम बनाते हैं। सेंटर ऑफ एटम यानी ये जो सेंटर हो गया इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ना, नाभिक, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर, ये वाले जो हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये नाभिक के चारों ओर जो हैं वो घूमते रहते हैं, फ्लाई अराउंड अबव द न्यूक्लियस इन अ स्मॉल क्लाउड, ठीक है। अब चार्ज कौन कौन सा है? प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, प्रोटॉन ये नाभिक के अंदर रहता है उसमें पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमते रहते हैं। और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी नाभिक के अंदर ही रहते हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये स्ट्रक्चर है एटम का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और मेन जो चीज़ है एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो खास तौर से चार्ज के लिए यानी आवेश के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जान लेते हैं हम लोग। ये फिर से एक बार आप ये अणु का ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये बीच में नाभिक हो गया और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाभिक के चारों ओर जो है वो घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल विथ अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। फाउंड इन ऑल एटम्स, सभी एटम्स में पाए जाते हैं, एंड एक्टिंग एज द प्राइमरी कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में प्राइमरी कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि इसी के प्राप्त करने से या खोने से आवेश मिलता है। यदि किसी एटम को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं इसका मतलब ज़्यादा नेगेटिव चार्ज मिल गया ना, तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और यदि इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं तो यानी अपने पास इलेक्ट्रिक चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है उसकी कमी हो जाती है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के ही खोने या गेन करने से ना, खोने या प्राप्त करने से ही चार्ज होता है और चार्ज से ही फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये जानना बहुत जरूरी है यहां पर, है ना। ये जैसे कि देख सकते हैं आप, ये प्लस और माइनस, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, इलेक्ट्रॉन के खोने या प्राप्त करने से इस तरह से चार्ज जो है वो बनते हैं और इसी से जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो अ रीजन अराउंड अ चार्ज्ड पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद इन विच अ फोर्स वुड बी एग्जर्टेड ऑन अनदर चार्ज्ड पार्टिकल और ऑब्जेक्ट्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब वो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है, और जब कोई दूसरा नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज उसके अगल बगल में आता है तो चारों तरफ एक रीजन बनता है, एक रीजन ऐसा बनता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चार्ज्ड पार्टिकल के चारों ओर एक रीजन बनता है। चार्ज्ड पार्टिकल मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो या ज्यादा हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जैसे उसमें नॉर्मल में जितने होते हैं सपोज 8 रहते हैं, तो अगर 8 ही हैं तो इसका मतलब है कि वो चार्ज नहीं होगा। अगर उसमें 12 हो जाएंगे तो इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, 6 हो जाएंगे तो इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल के अराउंड में एक रीजन बन जाता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहीं पर इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। कैसे इसको फिजिक्स में डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट
चार्ज, तो चार्ज में कितनी इलेक्ट्रिसिटी की फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन्स पर कूलम, एन अपॉन सी, ठीक है, न्यूटन्स पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है, ये याद रखिएगा, या फिर इसे वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं, वी अपॉन एम। दीज आर डिराइव्ड यूनिट्स वेयर न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो n अपॉन c, न्यूटन पर कूलम का क्या मतलब हुआ, n मतलब फोर्स हो गया, c मतलब चार्ज हो गया, न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है और कूलम जो है वो चार्ज का यूनिट है, इसलिए हमने यहां पर देखा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये समझ में आ गया हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक और फील्ड होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अ रीजन अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल और अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म एक्ट्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट के चारों ओर होता है ना, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट के चारों ओर होता है। जब वो ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब मूविंग होता है, जब एक चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो मूविंग होता है, तो उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट है वो है टेस्ला। तो आप समझ गए अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है। चार्ज्ड पार्टिकल जब स्टैटिक होता है तो उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है, और चार्ज्ड पार्टिकल जब मूविंग होता है, जब वो गति कर रहा होता है, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं या कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी भी होती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी होते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक फिजिकल फील्ड है प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। तो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स मतलब पहली शर्त तो यही है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स फील्ड दैट सराउंड्स अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो चार्ज भी है, इलेक्ट्रिकली चार्ज भी है और वो मूविंग भी है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो जब दोनों फील्ड होंगे तो कहा जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों चीजों के बारे में हम लोग जान लिया। अब हम लोग जानते हैं कि करंट क्या है, ठीक है। ये बहुत सुना होगा ना आपने, करंट करंट करंट, बहुत करंट मारता है, फलां जगह करंट लग जाएगा, तार को मत छुओ। तो करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या हो गया, करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है जब विद्युत आवेश ट्रेवल करता है, गति करता है, तो इसी चीज को बोलते हैं करंट, ठीक है। किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के खोने या प्राप्त करने की वजह से होता है। तो करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है, ऋणात्मक बिंदु से धनात्मक बिंदु की ओर करंट जाता है, ठीक है, याद रहेगा ना, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉइंट ये जो फ्लो होता है, इसका यूनिट क्या है, एम्पियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, करंट की यूनिट है एम्पियर। एक एम्पियर करंट कितना होता है, 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग पास्ट अ यूनिक पॉइंट इन अ सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर एक पॉइंट पर कितना चार्ज जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, एक कूलम्ब चार्ज, है ना, उसी को बोलते हैं एम्पियर, ठीक है। तो करंट क्या होता है ये भी हमने देख लिया, इसका यूनिट क्या होता है ये हमने जान लिया। अब टाइप्स ऑफ करंट देख सकते हैं हम लोग, आपने बड़ा सुना होगा डीसी करंट, एसी करंट, क्या होते हैं इनके बारे में। डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जब फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर किस तरह का इलेक्ट्रिक करंट बहता है, तो वो होता है डायरेक्ट करंट, इसे बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट। और अल्टरनेटिंग करंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन वन डायरेक्शन देन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ओवर एंड ओवर अगेन। तो इलेक्ट्रॉन पहले सपोज लेफ्ट टू राइट बह रहे हैं, फिर राइट टू लेफ्ट बह रहे हैं, इस तरह से ये ऑसिलेट करता है, ठीक है, इस तरह से एक ऑसिलेशन होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो करंट पहले एक साइड से बहेगा दूसरे साइड, फिर दूसरे साइड से पहले साइड की ओर में बहेगा, इसे कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है।
कंप्यूटर, एलईडी, सोलार सेल, ये सब जो है वो डीसी पे चलते हैं, ये सब भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। कंप्यूटर, एलईडी, सोलार सेल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब सब जो है जो वो डायरेक्ट करंट पे चलते हैं। और जो घर में घरेलू जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, रेफ्रिजरेटर, फैन, डिशवॉशर्स, टोस्टर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं एसी पे चलते हैं। तो हमारा जो घरेलू बिजली है, ठीक है ना, वो चलता है एसी पे, ठीक है। इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी पे चलना भी कह सकते हैं। जैसे हमारा जो घरेलू बल्ब होता है वो होता है 50 ऑसिलेशंस पर सेकंड, है ना, 50 साइकिल पर सेकंड, यानी कि उसका जो फ्रीक्वेंसी हुआ वो 50 हर्ट्स हो गया, हर्ट्स, HERTZ, ये HZ इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है उनकी, क्योंकि वो साइकिल्स पर सेकंड पे चलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको एसी और डीसी इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये था हमारा पहला पार्ट जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स का एक छोटा सा परिचय लिया है। मेरे ख्याल से आपने आज के इस लेसन में जो देखा है, जो सुना है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और देखते रहिए हमारे चैनल मान्य एजुकेशन। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। नमस्कार।